आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिक्वेंशियल सॉर्ट का प्रोग्राम देखा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि हमारे जो अरे है उसमें डाटा यदि रेंडम ऑर्डर में होता है तो आप उसको सॉर्ट कैसे करते हैं। हमने लास्ट टाइम अरे में वैल्यू ली थी 10, 5, 8, 12 और 2, और फिर जब हमने उसको सिक्वेंशियल सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करके दिखाया था तो इस तरह से हमने उसे सॉर्ट किया था। ये हमने टेक्निक ली थी जिसके अंतर्गत A0 को A1 से, A0 को A2 से, A0 को A3 से और A0 को A4 से हमने मैच किया था। फिर A1 को A2 से, A1 को A3 से, A1 को A4 से, इस तरह से हमने फॉलो किया था। अब हम जो देख रहे हैं, आज हम पढ़ के देखते हैं बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट जो होता है, इस टेक्निक के अंतर्गत आपको जो कंसेप्ट्स को फॉलो करना है वो कंसेप्ट पिछले बार के कंसेप्ट से थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है। लेट सी, ये आपका अरे है जिसके अंतर्गत A0 पे आपकी वैल्यू 10 है, 1 पे वैल्यू 5 है, 2 पे वैल्यू 8 है, 3 पे वैल्यू 12 है और 4 पे वैल्यू 12 है। अब इस प्रोग्राम्स को आपको क्या करना है, बबल सॉर्ट से सॉल्व करना है। तो आज टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट के प्रोग्राम्स को मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये अभी जो प्रोग्राम्स हमने लिखा था, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने सिक्वेंशियल सॉर्ट करी थी उससे फॉलो किया था। बबल सॉर्ट में हम क्या करते हैं, A0 को A1 से मैच कराते हैं। मतलब A0 की जो पोजीशन है उसको आपको A1 से मैच करना है। सर ये तो हमने पिछली बार भी किया था। चेक करते हैं क्या 10 5 से ग्रेटर है। यदि 10 5 से ग्रेटर है तो वैल्यू चेंज हो जाए, मतलब नीचे 10 आ जाए और ऊपर 5 चला जाए। वैल्यू आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, हम यहाँ पर क्लिक के रख लेते हैं। हम वैल्यू स्टोर करी है हमने 10, 5, 8, 12 और 2, ये हमारी वैल्यूज हैं, ठीक है। इसको अब हम सॉर्ट करके देख रहे हैं। 10 को 5 से चेक किया, क्या 10 5 से बड़ा है, हाँ, तो स्वैपिंग हो जाए, मतलब ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 10, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते थे, A0 को ही A2 से चेक करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अब आपको A1 को A2 से मैच करना है। मतलब अब A1 को आप किससे मैच करेंगे, A2 से। क्या 10 8 से ग्रेटर है, हाँ, अभी भी फिर सिचुएशन सेट है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर चला जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 10। फिर अब आप A2 को A3 से मैच करना चाहते हैं, मतलब 10 को 12 से। क्या 10 12 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो रही है आपकी, फिर फॉल्स हो रही, क्योंकि 10 12 से बड़ा नहीं है तो ऐसा नहीं हो पाएगा। फिर आपको क्या चेक करना है, A3 को चेक करना है A4 से। तो A3 पे वैल्यू क्या है, 12। क्या 12 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू, तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 12। मतलब आपको एक दूसरे से, पहले हम क्या कर रहे थे, 0 को 1 से मैच कराते थे, फिर 0 को ही हम 2 से मैच कराते थे, 0 को ही 3 से मैच कराते थे और 0 को ही 4 से चेक कराते थे। लेकिन इस बार हमने क्या करा, 0 को 1 से मैच कराया, फिर 1 को 2 से कराया, फिर 2 को 3 से कराया और 3 को 4 से चेक कराया। तो इससे क्या हुआ, सबसे बड़ा डाटा सबसे पहले क्या सॉर्ट हो गया आपका, 12। जबकि पिछली बार जो हमने देखा था उसमें सबसे छोटी वैल्यू पहले क्या हुई थी आपकी, 7 हुई थी, ठीक। तो आपको इस टेक्निक को फॉलो करना है जिसको हम बबल सॉर्ट बोलते हैं। अब दूसरा आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू सेट हो गई, अब वापस से आप क्या कर रहे हैं, A0 को मैच करेंगे A(1) से। तो वापस से अब आप ऊपर से शुरू करते हैं, क्या 5 8 से ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स। अब आपको क्या करना है, A1 को A2 से मैच करना है। तो A1 पे आप कौन है, 8 को 2 से मैच करते हैं। तो आप 2 पोजीशन पे वैल्यू क्या है आपकी, 10। क्या 8 10 से बड़ा है, अभी भी नहीं है, तो आपको अभी भी कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, A2 को A3 से मैच करना है। तो A2 पे वैल्यू 10 है और A3 पे वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब स्वैप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 10। तो ये हमारा सेकंड कंसेप्ट रहा, मतलब पहले A0 को A1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से और 3 को 4 से। लेकिन अब आपको 3 को 4 से मैच करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ऑलरेडी सेट हो चुकी है। अब आपको ध्यान रखना है A0 को A1 से वापस से मैच करना है। तो A0 पे वैल्यू 5 और A1 पे वैल्यू 8। क्या 5 8 से बड़ा है, नहीं है, तो फिर स्वैप करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब A1 को A2 से मैच करना है, तो क्या 2, मतलब 8 2 से बड़ा है, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, मतलब ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 8।
लेकिन अब उसको नेक्स्ट वैल्यू से चेक कराने की जरूरत नहीं है, अब केवल दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करना है। तो आप देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले सेट हुई, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू। अब आपको A0 से मैच करना है A of 1 को। चेक करते हैं क्या 5 2 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5। मतलब 0 को 1 से, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से। इसमें क्या हो रहा था, पहले 0 को ही हम सबसे मैच करा रहे थे, फिर 1 को सबसे मैच करा रहे थे, 2 को सबसे मैच करा रहे थे। तो ये जो लास्ट टाइम हमने प्रोग्राम बनाया था सीक्वेंशियल सर्च का था, लेकिन अब हमें बबल सॉर्ट का यूज करते हुए प्रोग्राम्स को फॉलोअप करना है। तो सबसे पहले आपको वैल्यू इंसर्ट कराना है, वो आपने वैल्यू इंसर्ट करा दी है, है ना। अब आपका मेन टॉपिक क्या है कि सर हमें वैल्यू 0 को 1 से और 1 को 2 से मैच कराना है, तो अब हम क्या करें। देखिए सबसे पहले 0 को आपको 1 से मैच करना है, तो अब यहां पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि जहां हमारा प्रोग्राम्स आई जे का जो लूप है वो आई से शुरू हो रहा था, इसकी जो हो अब मैंने उसको बोल दिया कि ये 0 से ही शुरू हो, ठीक। लेकिन सर ये चलता कहां तक था, पहली बार तो ये 4 बार चलता था, फिर वो 3 बार चलता है, फिर 2 बार चलता है, फिर 1 बार चलता है। मतलब यदि मैं यहां 5 दूंगा तो ये तो 0 से लेकर 5 टाइम मैच होता रहेगा, लेकिन ये क्या होता जाना चाहिए, एक एक बार कम होता जाना चाहिए। तो कम कैसे करूं, तो उसके लिए मैं ट्रिक्स यहां पर आपको देता हूं कि आप क्या करें, जे इज लेस देन 5 माइनस आई कर दीजिए। तो आई की वैल्यू पहले कितनी है 0, तो 5 माइनस 0 मतलब 0 से लेके कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, ठीक। फिर जब i की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 5 माइनस 1 मतलब 4 बार चलेगा। फिर जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 5 माइनस 2 मतलब 3 बार चलेगा। जब i की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 4 माइनस 1 5 टाइम चलेगा। तो j की वैल्यू 0 से शुरू हो लेकिन कहां तक जाएगी, वो 5 माइनस i तक, है ना, क्योंकि इधर से i आपका इंक्रीज होता जा रहा है और इधर से 5 में से वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो आपको पहले 4 टाइम चलाना है, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम और फिर 1 टाइम। तो j को हम कहां तक एग्जीक्यूट करेंगे, 5 माइनस i, ठीक। लेकिन अब सबसे बड़ा मेन लॉजिक ये है कि सर पिछली बार तो आपने i और j को फॉलोअप कर रहे थे, तो j के अंदर क्या होता था, i 0 होता था तो j 1 2 3 4 हो जाता था जैसे हमने देखा था। फिर जब i 1 होता था तो j 2 3 4 हो जाता था। लेकिन अब क्या, इधर i भी बढ़ना चाहिए और उसके साथ j भी बढ़ना चाहिए, तो दोनों एक साथ कैसे एग्जीक्यूट होंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको if में चेंजेस करना है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं, i जो हमारा है उसको हम बोल रहे हैं कि if a of j is greater than a of j plus 1, सॉरी मैंने यहां if के अंदर यहां इनवर्टेड कॉमा लगा दिया था, वो आपको सॉरी इन सेमी कॉलन लगा दिया था, वो आपको नहीं लगाना है। अब आप देखते हैं a of j को उसी के a of j plus 1 से मैच करना है। यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस समय आपको इस तरह से अपनी स्वैपिंग करना रहेगी, देखते हैं अब इस प्रोग्राम्स के लॉजिक्स को, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम्स है आपके सामने, जिसमें सबसे पहले आपने 5 वैल्यू इंसर्ट करें। अब आई की वैल्यू कितनी है आपकी, 0। यहां पर मैं आपको समझाते चलता हूं, आई की वैल्यू आपकी 0 है, कहां तक चलना है उसको, 5 तक अंदर आया। जे की वैल्यू भी आपने कितनी दी इसके अंतर्गत, 0 दी, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या 0 लेस देन है 5 माइनस 1 से, स्वाभाविक सी बात है कि 0 लेस देन है 5 से, अंदर आया। जे का मतलब 0 और j plus 1 मतलब 1, आप 0 को 1 से मैच कर रहे हो। मैंने बोला था a 0 को आपको किससे मैच कराना है, a 1 से, तो a 0 की वैल्यू a 1 से मैच होगी। यदि कंडीशन ट्रू हुई कि a 0 की वैल्यू a 1 से बड़ी हुई तो स्वैपिंग करेगा, और यदि नहीं हुई तो प्रोग्राम फॉर लूप से टकराएगा। ये किसका फॉर लूप है आपका, j का, तो इससे क्या होगा, j में इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब j की वैल्यू आपकी 1 हो गई। अब यहां से प्रोग्राम वापस एग्जीक्यूट होकर यहां आएगा, j की वैल्यू 1, उसको चलना कहां तक है, लेस देन 5 तक, फिर अंदर आया। j का मतलब अब क्या है, 1, और वो चेक हो रहा है j plus 1 से मतलब 2 से। हम भी तो यही चाह रहे थे कि a0 a1 पोजीशन को हमें किससे चेक करना है, a2 से। अब आप देखिए पहले 0 को 1 से मैच किया, अब 1 को 2 से मैच किया,
यदि वैल्यू बड़ी होगी तो स्वैपिंग होगी, और नहीं होगी तो फिर वो फॉर लूप से टकराएगा, और होगी भी तो भी फॉर लूप से टकराएगा। ठीक है, तो जे की वैल्यू में आपका इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, लेस देन 5 है अंदर आएगा, तो जे की वैल्यू आपकी 2 और वो नेक्स्ट वैल्यू से मैच कर रहा है, दैट इज 3 से, 2 को 3 से मैच कराया आपने, क्या 2 3 से बड़ा है, तो A2 पे जो वैल्यू हुई यदि वो A3 से बड़ी है तो वैल्यू क्या होगी, स्वैप हो जाएगी, इफ होने के बाद प्रोग्राम बाहर आएगा, और यदि नहीं है तो वापस बाहर आएगा। फॉर लूप से टकराया, जे की वैल्यू हो गई आपकी 3, तो अब चेक करेगा क्या 3 लेस देन है 5 से, अंदर आएगा, चेक करेगा AJ मतलब A3 और AJ प्लस 1 मतलब 4, क्या 3 4 से बड़ा है, ये कंडीशन चेक करेगा, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो वापस स्वैपिंग होगी, प्रोग्राम वापस बाहर आ जाएगा आपका, और अब जैसे ही जे की वैल्यू 4 होगी प्रोग्राम बाहर आएगा, चेक करेगा क्या 4 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, फिर चेक करेगा, इस तरह से जैसे ही प्रोग्राम बाहर आएगा तो अब आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी, तो अब ऊपर जाएगा, चेक करेगा 1 लेस देन है 5 से, कंडीशन ट्रू, जे की वैल्यू वापस 0 से शुरू होगी क्योंकि आपको वापस से 0 से मैच करना है, लेकिन अब उसको चलना कहां तक रहेगा, 5 माइनस आई मतलब लेस देन 4 तक चलेगा। ठीक है, फिर यहां पर आएगा, अब जे की वैल्यू आप वापस से चेक करते हैं, जे की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, 0, क्योंकि जे तो वापस कहां से इनिशियलाइज हो गया है, 0 से, आई 1 हुआ तब भी जे कितना हो गया, 0, तो जे 0 और जे प्लस 1 मतलब 0 को आप 1 से मैच कराना चाहते हैं, 0 को आपने 1 से मैच कराया, कंडीशन ट्रू होगी तो स्वैपिंग होगी, इस तरह से ये पूरा एग्जीक्यूशन होगा। तो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ द बबल सॉर्ट, ये एक जनरल लॉजिक है, इससे पुराना जो लॉजिक था हमारा वो सिक्वेंशियल सॉर्ट का था, अब उसी प्रोग्राम्स को हमने थोड़े से चेंजेस करके आपको बबल सॉर्ट के थ्रू एक्सप्लेन किया। तो बबल सॉर्ट जो होता है वो सिक्वेंशियल सॉर्ट के मुकाबले थोड़ा सा सॉर्टिंग करने की फास्ट प्रोसेस है, इसके थ्रू आप बबल सॉर्ट और सिक्वेंशियल सॉर्ट के अंदर का डिफरेंस समझ सकते हैं। उसी के बाद हमने इस प्रोग्राम को वापस से प्रिंट करा दिया, गेट सीएच और प्रोग्राम खत्म। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर द बबल सॉर्ट, और आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और यदि आपको इन फ्यूचर में कोई डाउट्स रहते हैं देन यू कैन ज्वाइन अवर ऑर्गेनाइजेशंस जेनेक्स कंप्यूटर इंदौर। थैंक यू वेरी मच।